चकर चिहन और बर्ण जात और पात नहिंज रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत कै अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतो कह जै कोट इंद्र इंद्राण शाह शहाण गणे जय तिर पवन महेप सुर नर असुर नेत नेत बाण तृण कहत तव सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी ओन न्यासरियां दा आसरा हलत पलत दे राखे लोग परलोक सहायक दीन दुनी दे मालक साहिबे कमाल साहिबे जमाल साहिबे दयाल रोशने नूर ज्ञान दे सागर सर्वरे कैनात सर्व सुख संपन्न सर्व दुख हरता सर्व कला समर्थ सर्व शक्तिमान धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर वह प्रगट ते ओ मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित गुरमत समागमां विच हाजरियां भर के साहिबां जी दी अमृतमई बाणी सिफत सलाह वाली बाणी सरवण करदे हुए मनुखा जन्म दे विचों समें नूं सफला बना रही अत सत्कार जो गुरु प्यारी गुरु सवारी सात संग जीओ आओ एक बार सारे ही रल मिल के साहिबे कमाल सरबंस दानी बादशाह दरवेश धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे वल्लों बख्शिश कीती हुई गुरफतेह दी सांझ करदे हुए मनोबिरतियां नूं करिए अकागर बड़ी भाव भावना अदब सत्कार सहित एक आवाज विच बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहलों समूह संगतां नूं साहिबां जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां। समां सीमित है, बड़ी मन विच खुशी होई संगतां दे दर्शन करके। गुरु के प्यारे कीर्तनियां ने बड़े प्यार दे नाल साहिबां जी दी सिफत सलाह आप जी नूं सरवण कराई है। ओ महान सतगुरु जिन्हां दा अज असी प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हां, उन्हां दे जीवन दे विच्चों एक तत् बड़ा प्यारा साडे सामने आउंदा है। कई वार मनुख सोचदा है कि पता नहीं जो कहा जा रहा इवें हो भी सकदा है कि नहीं। संसार दे सारे धर्मां दा इतिहास पढ़ लिए, संसार ते बड़े बड़े वड्डे दरवेश आए, पैगंबर आए, औलिए आए, पर जदों असी धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी का जीवन पढ़ते हैं, दुनियावी तौर ते आरजू बड़ी छोटी है, पर उस थोड़े समय दे विच इन्ना कुछ संसार वास्ते कर गए
जेड़ा शायद वो जेड़े योगी सन योग साधना दे नाल सवासा नू चढ़ा लेना बड़िया बड़िया वडेरिया उन्हां दियां उमरां सन पर वह बड़िया बड़िया वडेरिया उमरां आले भी संसार दे वास्ते शायद वह कुछ ना कर सके जो दुनियावी तौर ते छोटी आरजू दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस संसार वास्ते करके गए। दूसरी गल संसार ते जो भी आया है धर्म कोई माड़ा नहीं है चंगे करन दी प्रेरणा कीती है पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने अपने इस संसार तो आउण तो पहलों बारे भी सानू दस्या इस संसार ते आउण दा मकसद की है वह भी सानू दस्या ते जदों असीं साहिबां जी दा इतिहास पढ़दे हां पटने दी धरती तो लै के आनंदपुर साहिब ते आनंदपुर साहिब तो फिर चमकौर दी गढ़ी माछीवाड़े दा जंगल दमदमा साहिब दी पावन धरती ते सचखंड श्री हजूर साहिब जी वाला अस्थान जदों इस इतिहास नूं असीं पढ़दे हां ते फिर लगदा है कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुसीं सच कहा है वो सच की सी मेरे साहब जी कहिंदे ने अब मैं अपनी कथा बखानो तप सादत जे बिद मोए आनो हेमकुंड पर्बत है जहां सप्त सरिंग सुरोपत है तहां सप्त सरिंग तै नाम कहावा पंड राज जो कुमावा तै हम अदक तपस्या साधी महाकाल काल का अराधी। एक महान तपस्या है कहिंदे ने महाकाल कालका अराधी महाकाल कालका तो भाव है ओ शक्तियां दी शक्ति जिहड़ी सिरमौर शक्ति है वो केड़ी शक्ति सी कई बार मनुख इत्थे भुलेखा खा जांदा जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कालका दे पुजारी सन नहीं जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी असीं अमृत बाणी पढ़दे हां वो केड़ी शक्ति है उस शक्ति का जिक्र किया जिस शक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहिंदे ने आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ते मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहिंदे ने आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा महाकाल कालका आराधी दास इस करके बेनती करनी चाहुंदा कई बार भुलेखा पाया जांदा है कि शायद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किसे देवी दे पुजारी सन जदों साहिबां जी दी अमृत बाणी पढ़िए फिर किसे प्रकार दा कोई भुलेखा नहीं रह जांदा इस वास्ते बेनती कीती है कि कोई भुलेखा पाउण दा जतन करे ते गुरु दे सिख नूं पता होना चाहीदा कि मेरा गुरु किस शक्ति दा पुजारी सी मेरा गुरु किस शक्ति का पुजारी सी ते गुरु प्यारियो मेरे साहब जी कहिंदे ने आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी नमस्कार तिस ही को हमारी ते सिख दी नमस्कार गुरु प्यारियो किन्नू होनी चाहीदी है बड़े सुंदर तरीके दे नाल स्टेज सैकटरी साहब बचन कर रहे सन सुनने वास्ते कई बार आपां उस चीज का गुस्सा जरूर कर जाने वाकई गुरु ने सिख बनाया ही ऐसा है कि गुरु दे सिख दा जे सिर झुकदा है ते केवल गुरु दे अगे गुरु तो बिना होर किसे दे अगे गुरु दे सिख दा सिर नहीं झुकदा ते मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहिंदे ने इन बिद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होवै गयो जदों वह तपस्या कीती साधना कीती ते कहिंदे परमात्मा दे विच ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच अंतर ही कोई नहीं है गुरु गोबिंद सिंह जी परमात्मा दा रूप ने पर कहिंदे ने मेरी सुरत जुड़ी हुई सी पर दूसरे पासे तात मात मुर अरख अराधा बहुबिध योग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा तांते भये प्रसन्न गुरदेवा दूसरे पासे सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज
सत्कारयोग माता गुजरी जी बड़ी वड्डी तपस्या है, बड़ी वड्डी साधना है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दी। वो टिकी हुई सुरत है, वो टिकी हुई सुरत दे प्रसन्न हो के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहिंदे ने पार ब्रह्म परमेश्वर ने की कीता, तीन प्रभ जब आए समोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया, चितना भयो हमरो आवन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। गुरु प्यारियो ओ जड़ी टिकी हुई सुरत सी उस सुरत ने अज पटने दी धरती ते प्रकाश कीता है, ते जदो पटने दी धरती ते प्रकाश धारण कीता गुरु प्यारियो ते उस समय दा एक सूफी फकीर पीर भीखण साह जेड़ा हर रोज सजदा अल्लाह ताला नू करदा है लेंदे वाले पासे, आज चढ़दे वाले पासे नू उन्हें सजदा कीता है। जदों मरीदा ने पुछया है ते क्या कि जेस अल्लाह ताला नू हर रोज मैं लेंदे वाले पासे सजदा करदा सी वो अल्लाह ताला आज चढ़दे वाले पासे साक्षात संसार ते प्रगट होया है। मैं संखेप विच वर्णन करा क्योंकि एक बेनती जरूर करूंगा निम्रता सहित गुरु प्यारियो समूह संगतां समूह प्रबंधक जनां दे अगे कि जिथे असी कीर्तन दरबार कराने कथा का प्रोग्राम जरूर अपने समागमां विच रखिए। जिन्ना चिर शब्द की विचार नहीं होगी, जिन्ना चिर इतिहास नू विचारिया नहीं जाएगा उन्ना चिर समझ नहीं आएगी। अमृत बाणी की वर्खा होंदी है कीर्तन दे राही, पर जदों उस शब्द की विचार की जाती है फिर सानू समझ लगती है कि सतगुरु जी सानू समझा की रहे ने। बहुत सारिया संगतां नू कई बार शब्दों के अर्थ का नहीं पता होंदा है, कीर्तन सुनिया बड़ा आनंद माणिया पर उपदेश की है ना समझ होने करके सानू पूरा लाभ प्राप्त नहीं होंदा। इस करके जदों भी कथा का प्रोग्राम रखिए कीर्तन दरबार रखिए विच कथा का प्रोग्राम जरूर रखिए। सो आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मैं बेनती कर रहा क्योंकि समा हो रहा है, टिकी हुई सुरत, टिकी हुई सुरत दा वेखो संसार दे अगे करिश्मा की होया है। साहब जी कहिंदे ने चेतना भयो हमरो आवन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, कहिंदे आउण नूं ते मन नहीं सी करदा पर जदों परमात्मा ने प्रसन्न हो के तात मात मुर अलख अलादा बहु विद योग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा तां ते भए प्रसन्न गुरदेवा। ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे जदों मैं आया ते मेरे आउण दा मतलब की सी, मेरा मकसद की सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने हम इह काज जगत मोह आए धर्म हेत गुरदेव पठाए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने जीवन का मनोरथ सानू दस दिता कि मैं इस संसार ते किस वास्ते आया, की करन वास्ते आया। ओ टिकी हुई सुरत गुरु प्यारियो जदों पटने दी धरती तो चली है ते कहिंदे ने पटने दे कखां तिक उत्थे रोए ने, पटने दा ओ हर जीव जंतु ओदे नेत्रां विच वियोग दे आंसू आए ने। ओ आनंदपुर साहिब जी दी धरती ते आए, मैं 2 मिंट दे विच समाप्ति करनी है। ओ आनंदपुर साहिब जी दी धरती गुरु प्यारियो जिथे मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने महान कौतक किए, जिस धरती तो टिकी हुई सुरत ने 9 साल की उम्र दे विच पिता नूं शहादत दा जाम पीण वास्ते भेजिया, जिस आनंदपुर साहिब जी दी धरती ते पिता जी पिता दा सीस धड़ तो बिना दर्शन किए, ओ टिकी हुई सुरत आनंदपुर साहिब जी दी धरती ते होली नूं होले महले विच तब्दील कीता, खालसा पंथ दी सिरजना कीती, अलौकिक उत्थे खेडां होईयां रंजीत नगारियां ते चोटां वजियां धौंसे गूजे, पर गुरु नानक दे घर दी चढ़दी कला नूं देख के दुश्मना ने उन्हां नूं हजमना होई। मैं उत्थे आउणा चाहुंना कि टिकी हुई सुरत उदा टका कैसा बनिया रहिंदा है। ओ आनंदपुर साहिब दी धरती जिन्हों आनंद दी पुरी कहा जांदा सी, अज जे समा आया आनंदपुर साहिब जी नूं छड्डना वी पिया ते उस टिकी हुई सुरत नूं किसे प्रकार ओ डुला नहीं सकिया, आनंदपुर साहिब दा आनंद ते उन्हों वसाया होया।
क्योंकि वह टिकी हुई सुरत सी जदों सरसा नदी के किनारे परिवार का विछोड़ा आया वह उदों भी नहीं डोली जदों चमकौर की कच्ची हवेली विच पहुंचे ने मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह अखां दे सामने वड्डे साहबजादियां ने शहादत का जाम पीता है गुरु प्यारियो वह सुरत उदों भी ना डोली ते जे माछीवाड़े नूं जंगल नूं पार करदे होए मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दमदमा साहब जी की धरती ते पहुंचे ने छोटे साहबजादियां दी शहीदी दी खबर सुनी है ते ओ टिकी होए सुरत ना डोली क्योंकि मेरे साहब जी ने यह कह दिता सी कि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में वो जड़ी प्रभु दे चरणा विच टिकी हुई सुरत सी इनू संसार दे रंग तमाशिया ने किसे प्रकार दा मोह ते ममता दा अपना जाल पा के डुला ना सकी वह आनंदपुर साहब नू छड़न लग्या नहीं डोले पुत्रां दी शहादत दा जाम पींदिया नू वेख के नहीं डोले पर गुरु प्यारियो ओ महान सतगुरु जिन्हें साडे लई इन्ना महान कार्य कर दिता जदों मतावां आईयां दमदमा साहब जी दी पावन धरती ते जदों साहबजादे दिखाई नहीं दिते गुरु प्यारियो ते पुछिया सी कि साडे जिगर दे टोटे किथे गए ने मैं एक बेनती करांगा देखो गुरु प्यारियो गुरु किन्ना महान है जिन्हें साडे वाल इशारा करके कह दिता इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत सानू मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने सपुत्र ते सपुत्रियां बनाया गुरु किड्डा महान है गुरु ने सानू सपुत्र ते सपुत्रियां बनाया पर असी अपने वाल देखना गुरु ने सानू सपुत्र ते सपुत्रियां बनाया कि असी गुरु नू पिता मान लिया ये गल अज सानू स्वै पड़चोल करन वाली गल है क्योंकि महान दिहाड़ा मना रहे हैं ते ये दिहाड़े किस वास्ते मनाई दे ने असी अपनी स्वै पड़चोल कर सकीए कि जो सतगुरां जी ने सानू सिद्धांत दिता उस सिद्धांत दे नाल असी जुड़े हुए हैं कि उस सिद्धांत तो असी टुटे हुए हैं सैकटरी साहब बड़े प्यारे बचन कर रहे सन कि खंडे बाटे दी पौल पंज ककारां दी मर्यादा सिख ने जेडे अपने समागम जेडे अपने प्रोग्राम करने ने गुरमत अनुसार करने ने मैं समझदा ये बड़ा चंगा उपराला जिवें बच्चियां दा इत्थे आनंद कारज हो रहा बड़ी चंगी शुरुआत है आओ असी होर कम्मां वल एक दूसरे तो वध चढ़ के रीसां करदे हां गुरमत दे कारजां विच गुरमत अनुसार अपने कारजां करन वल भी असी एक दूजे तो वध चढ़ के अगे आईए ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈਏ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ ਰਸ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਨ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਰਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो आवो सिख सतगुर के प्यारे ओ आवो सिख सतगुर के प्यारे ओ गावो
सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो गुरु कृपा करे गुरु रहमत करे साडा सारिआं दा गाविआ सुनिआ विचारिआ थाए पावे कोटान कोट शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा जिन्हां दी रहमत वरती है समुचे तौर ते सारे ही प्रबंध दा बहुत